सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। कोई खास जगह है जहां तुम बम नस्ब करवाना चाहते हो? आज इस बूढ़े आदमी से तुम लड़े थे, उसके घर के सामने एक बम रखते थे। रकम आपके हवाले करने के लिए एक दस्तावेज पर आपके दस्तखत चाहिए। रकम किसकी है? मेरी। पेरिस से हमारे सफीर ने वो दस्तावेजात भेजे जो हम चाहते थे। अब हमारे पास सबूत मजबूत है कि रुथस्चाइल्ड की रकम नौजवान तुर्कों को मौसूल हो गई। मोहल्ले की हिफाजत करो, हर तरफ नजर रखो और तमाम जख्मियों को इस घर में ले जाओ। हमें उम्मीद है कि आप शिवनास खातून से हासिल होने वाली मालूमात के बारे में हमें बताएंगे। जरूर सुल्ताना, आप मुझ पर यकीन रखें, आपके हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा सुल्ताना। क्या आप मुझे इस जंग में तन्हा छोड़ रही हैं? मामू के साथ जा रही हूँ, मैं आपको धोखा नहीं दे रही, लेकिन यहाँ से कुछ वक्त के लिए दूर जाना होगा। हमें नौजवान तुर्कों के साथ उनके इकदामात के बारे में सारी मालूमात चाहिए और ये मालूमात आप फराहम करेंगे। वो शख्स जो उस्मानियों के खिलाफ हमारी तहरीक की क्यादत करेगा और अपने तजर्बे से इसका इंतजाम संभालेगा, वो आर्मिनस वैम्बेरी है। मैं यहां उन दिनों का कफ़ार अदा करने के लिए आया हूं जो मैंने अब्दुल हमीद की खिदमत में गुजारे। आज तक मैंने अब्दुल हमीद के खिलाफ कभी कोई हकीकी जंग नहीं लड़ी, क्योंकि अगर मैं लड़ने जाऊंगा तो मुझे उसकी कयादत करनी होगी। जनाब रुथस्चाइल्ड ने यह ताकत पहले कभी भी नहीं दी मुझे, लेकिन आज मैं उनकी नशिस्त पर बैठा हूं। हालात बदल गए हैं, दुनिया का सफर किया है मैंने, मैं तकरीबन हर सुल्तान के महल में रहा हूं, मैं फारस के खेलों से और बरतानियों की चालों से खूब वाकिफ रहा हूं। अब तक अब्दुल हमीद से लड़ने वाले उसे बिल्कुल भी नहीं जानते थे, लेकिन अब कोई है जो अब्दुल हमीद को बहुत अच्छी तरह जानता है। बहुत खूब, बहुत खूब। जनाब ओजानियान मुझ पर तंजिया तालियां बजा रहे हैं, मेरी ताकत का जरा डर नहीं है इन्हें और ना ही एहतराम है कोई, ठीक कहा ना? मुझे तो कोई ताकत दिखाई नहीं दे रही। जनाब ओजानियान, मिसाल के तौर पर अगर मैं ये ऐलान कर दूं कि आपने अपनी ही नस्ल के आर्मीनी बाशिंदों को, बच्चों और औरतों को बेदर्दी से कत्ल किया और फिर कहा कि इनका कत्लेआम उस्मानियों ने किया है ताकि आपकी तंजीम में आर्मीनी शामिल हो जाए, तो क्या ये ऐसी ताकत होगी जिसका आप एहतराम करेंगे? बताएं क्या
मुझे ये करना पड़ा था। हाँ, अब अगर मेरी इज्जत करने के लिए आपको काबिल कदर ताकत नजर आ गई हो तो बात को आगे बढ़ाएं। जनाब जॉरिस, मैं जानता हूं कि आप पाया तख्त क्यों आए हैं। आपका फर्ज मुश्किल है, इसलिए मैं आपके किसी काम में मुदाखलत नहीं करूंगा। आप जो चाहें कर सकते हैं। मुझे रोथचाइल्ड साहब ने यही हुक्म दिया था जाते हुए। दानिशमंदाना फैसला है आपका। आप और मैं अब्दुल हमीद से तमाम पाशा हजरात के ताल्लुकात को मुनकता कर देंगे। हम उसे तन्हा कर देंगे। बेहतरीन। आ जाएं। सुल्तान मौज़म, कुवैत के मुहाफिज इब्राहिम जासिम साहब आपसे मिलने के मुंतजर हैं। इंतजार मत करवाइए पाशा उन्हें। जिन खानदानों ने उन खितों को बरकत दी है उन्हें फौरन अंदर बुलाइए। दरवाजा खोलो, आइए। आ जाइए। सुल्तान मौजम। खुश आमदीद इब्राहिम जासिम साहब। शुक्रिया सुल्तान मौजम, हम आपके लिए कुछ तहफ लाए हैं, अगर आप इन्हें कबूल करें। ये लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिलियाई शरीफ, नूरुन अला नूर, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर हम सब की जाने फिदा, शमाए रहमत। यह हमारे पैगंबर का खाका बयान करता है। आपका कद ना तो ज्यादा लंबा था और ना ही ज्यादा छोटा। आपका कदे मुबारक मुनासिब था, आपका सीना कुशादा और मुबारक शाने भी चौड़े थे जिन पर मोहरे नबुवत थी। आपकी सियाह जुल्फें लहराती थी। शजरा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मिलता है। आंखें मुबारक सिया थी, आंखों का सिया हिस्सा मुकम्मल सिया और सफेद हिस्सा मुकम्मल सफेद था। आपकी भवें आसमान पर मौजूद हिलाल की तरह थी। दाढ़ी मुबारक में चंद बाल सफेद थे। उनकी राह में जान कुर्बान करना भी काफी नहीं है। दंदाने मुबारक ऐसे थे जैसे सफेद मोती। आपकी खुशबूएं मुबारक ऐसी थी कि तमाम फूल भी अपनी खुशबुओं को मिलाकर उसकी मिसाल देने से बिल्कुल कासिर हैं। आपके चलने और बैठने का अंदाज बहुत बावकार था। हमारे पैगंबर के हर अमल से अजमत और शान झलकती थी। आप जब किसी से बात करते तो अपना जिस्म मुबारक उसकी तरफ फेर लेते। पहली नजर में बात करने वाला घबरा जाता, लेकिन दूसरी नजर रहमत भरी होती। बात करने वाला आपकी नजरों का असीर हो जाता और वो कह उठता कि उसने आप जैसा हुस्न जमाल और नूर पहले कभी नहीं देखा। आपकी अखलाक मुबारक कुरान शरीफ के मुताबिक थे। आप इतने फयाज थे कि आपकी सखावत की बदौलत इस दुनिया में रौनक थी। समंदर से मोती, पहाड़ों से याकूत और कांटों से फूल खिल उठते थे। अगर आप आका की सीरत मुबारक का जिक्र बाग में करें तो कोई फूल कली या गुंचा ऐसा ना होगा जो खुशी से मुस्कुराए और शाद ना हो।
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत बयान करने से कासिर हैं हम। जब हम उनकी अजमत बयान करते हैं तो हमें शर्फ हासिल हो जाता है। ये हिलिया शरीफ रसूल अकरम का बेहतरीन अंदाज में खाका बयान करता है। यह अब तक का बेहतरीन तोहफा है जो हमने वसूल किया है इब्राहिम साहब। यह अब तक का बेहतरीन तोहफा है जो हमने आपको दिया है। लेकिन हम आपके उन दीगर तहाइफ के बारे में भी सुनते हैं जो आपने आलम इस्लाम को दिए हैं। अरब में आपके खैराती इदारे और बर्रे सगीर पाको हिंद में भेजा गया आपका इमदादी सामान। आप अपनी दौलत इस्लाम के लिए खर्च कर रहे हैं। इब्राहिम जासिम साहब, आप ऐसे खानदान से हैं जो मुसलमानों के लिए बाईस से बरकत है। आप इस बरकत के मुस्तहिक हैं क्योंकि आप अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। ये माल और दौलत हमारे पास अल्लाह की अमानत है और हम ये अमानत जरूरतमंदों तक पहुंचाना चाहते हैं। इब्राहिम जासिम साहब, आपके इन अच्छे अमाल की बदौलत आपकी आने वाली नस्लों को भी ये बरकत मिलेगी इंशाल्लाह। हमने सुना है कि आपको अल्लाह ने पोते की नेमत से नवाजा है और आपने उनका नाम पैगंबर अकरम खातिमुल अंबिया के मुबारक नाम पर रखा है। मोहम्मद से अच्छा कोई नाम नहीं। अल्लाह इस नाम की बरकत अता करे, उनके नसीब अच्छे हो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सुल्तान मौसम, इंशाल्लाह। बहुत खूब। ये यूरोपीय अखबार में भी शाया हुआ है ना? ऐसा ही है, तमाम अखबारात खेल के बारे में लिख रहे हैं। तमाम यूरोपी उमरा जुए खाने में आएंगे। तुमने अच्छी तशहीर की है। जो बात मैं समझ नहीं पाया वो ये कि तुम्हारा कोई बड़ा मंसूबा है। जिस वक्त तुम्हें छुपना चाहिए उस वक्त तुम जाहिर होना चाहते हो। ये तुम्हें और तुम्हारे मंसूबे को भी नुकसान पहुंचा सकता है। मेरा मंसूबा हतमी मराहिल में है, मुझे उस पर जब काम करना होगा मैं करूंगा। और फिलहाल मैं चाहता हूं कि जुए खाने में सब अच्छा खेल खेलें। लेकिन बम वाला मंसूबा तो नाकाम हो गया हमारा, और हम वहां कोई बड़ा जानी नुकसान भी नहीं कर सके। जॉरस, हमने कोशिश की औजानियन, कोशिश की। हम उस वक्त तक कोशिश करते रहेंगे जब तक बेहतर काम नहीं करते, हार नहीं मानेंगे। लोग अभी भी उस मोहल्ले में मौजूद हैं। जैसे ही ये मामला बढ़ेगा मोहल्ले वालों की हिमायती भी बढ़ेंगे। वो बढ़ेंगे और हमें बआसानी निकल लेंगे। मैं जो चाहता हूँ हासिल कर लेता हूँ। अगर वो वहाँ से नहीं जाते तो हम उन्हें जाने के लिए मजबूर कर देंगे। वहाँ मुहाफिज मौजूद हैं। कब तक उसकी हिफाजत करेंगे? लार्स इसका ख्याल रखेगा, ये इसीलिए यहाँ पर है। वो जुए खाने का मालिक खलील खालिद के साथ अदालत में जा रहा है। सफीर ने खबर की है वो उस जुए खाने को बंद करवाना चाहते हैं। मैं संभाल लूंगा उसे। उस जगह के मालिक से बात करनी होगी। फिर लार्स के साथ मोहल्ले में दाखिल हो और वो मोहल्ला हासिल करो। क्या तुम्हें मालूम है तातार, मोहल्ले में बम किसने नस्ब किया था? नहीं जनाब, कोई नहीं जानता कि किसने किया। हमारे लड़के के मुताबिक ये काम अमानत रखने वाले का है और उसके साथ एक आदमी भी था। बज़ाहिर ये मोहल्ला उस अमानतदार नामी शख्स के लिए बहुत अहमियत रखता है और वो इसे हासिल करने के लिए इस हद तक गिर गया। लेकिन हम उस मोहल्ले की हिफाजत करेंगे, उसके हवाले नहीं कर सकते। वो उस मोहल्ले के साथ क्या करना चाहते हैं चाचा? क्या होगा अगर मोहल्ले वाले राजी हो गए तो? नहीं मालूम उस्मान। सरांजी साहब की जमीन कीमती है, शायद वो ये सब रकम के लिए कर रहे हैं। कुछ भी हो तातार, हमें उसे बचाना है। हम किसी को शिकार नहीं बनने देंगे। हम उन्हें यहाँ उनकी कब्रों के लिए भी दो गज जमीन तक नहीं हासिल करने देंगे। उस्मान, क्या तुमने सफीर को हमारे आने का कह दिया? कह दिया चाचा, कह दिया। क्या हम जुए खाने पे छापा मारकर सिपाहियों के जरिए उसे बंद नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं उस्मान, बिल्कुल नहीं। हमें कुछ और करना पड़ेगा।
अगर उस जगह का मालिक कह दे कि ये जुआ खाना नहीं चल सकता तो उन्हें ये जुआ खाना बंद करना पड़ेगा। मजर साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन उनका बेटा जो कि पहले ही बरतानवी शहरी है मुखालफत कर रहा है, अगर वो रजामंदी नहीं देता तो हमारे लिए मुश्किल होगी। मजर साहब भी अपने बेटे की तरह सोचते हैं, सरमाए को अहमियत देते हैं, और अब अखबार में इस इश्तिहार के बाद उन्हें पूरा यकीन है कि बहुत ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। बड़ा खेल, यूरोप के तमाम उमरा वहां मौजूद होंगे, उन्हें ये जुआखाना हर कीमत पर बंद करना पड़ेगा, वरना ये खबर उनके लिए जिल्लत का बाइस बन जाएगी। वो जुआखाना जल्द बंद होगा। वेम्ब्रिज साहब, उम्मीद है आप ऐसी मालूमात लाए होंगे जो मुफीद होंगी हमारे लिए। जी हां सुल्तान मौसम, ये कहते हुए अफसोस हो रहा है मुझे कि आपका एक पाशा नौजवान तुर्कों के साथ राब्ते में है। हम जानते हैं, ये कोई खुफिया बात नहीं। ज़ोतु पाशा पेरिस फरार हो चुके हैं, ये बात हर कोई जानता है। ज़ोतु पाशा नहीं है सुल्तान मौसम, हो सकता है हो, लेकिन एक और पाशा भी है जो नौजवान तुर्कों के साथ राब्ते में है, उसके पास ताकत है। कोई है जिसका हमें वक्त आने पर पता चल जाएगा। कौन? मैं और तुर्क नौजवान बिल्कुल भी नहीं जानते उसे, वो टेलीग्राफ के जरिए रास्ते में है। आपको किससे ये बात मालूम हुई है? फौज साहब से। सुल्तान मौजम, आप फौज साहब को सजा क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि वो खेल रहे हैं वेम्ब्री साहब, हम अगर उन्हें सजा देंगे तो कोई उनसे ज्यादा माहिर ये काम संभाल लेगा। ताहम उनकी गद्दारी के बारे में जानते हैं। गर्ज ये कि रूस चाइल्ड ने जिस तरह कर्जे की आड़ लेकर फवाद साहब की हिफाजत की, उससे उनकी सजा में ताखीर हो गई। सुल्तान मौजम, वो गुमनाम पाशा जिसका नाम तुर्क नौजवानों को भी नहीं पता, वो हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। तहसीन पाशा, जी सुल्तान मौसम। तहसीन पाशा, जासूसों के सरबरा अहमद जलालुद्दीन पाशा को बुलाइए। जासूसों के सरबरा? सुना नहीं क्या पाशा? जासूसों के सरबरा अहमद जलालुद्दीन पाशा को बुलाइए। जो हुक्म सुल्तान मौसम, जो आपका हुक्म। दरवाजा खोलो। सुल्ताना, बीदार सुल्तान आई हैं। बीदार सुल्तान? उन्हें कैसे पता चला कि हम यहां हैं? हमें सुल्ताने मुअज्जम ने बताया। भाई जानते हैं, आप तो जानते ही हैं वो कितनी जहानत के मालिक हैं। हम जाने वाले थे बेदार खातून, उस सरजमीन को छोड़ने का खतरा मोल ले रहे थे जहां हम पैदा हुए थे, पले बड़े। हमसे नहीं हुआ, नहीं जा सके। खुशकिस्मती से आप नहीं गई। हम नहीं जानते कि हमने सही किया या गलत। हमने अपने बेटे को पैसे भेजे ताकि वो गुजर बसर कर सके, और भाई ये समझ रहे हैं कि हम गद्दारी कर रहे हैं। सुल्तान मुअज्जम ने आप पर कोई इल्जाम नहीं लगाया, अगर ऐसा होता तो वो हमें यहां ना भेजते। उन्होंने आपको क्यों भेजा है? आपको छुपने से रोकने के लिए और यहां से वापस ले जाने के लिए। हमने सुना है कि आपकी गैर मौजूदगी में महमूद पाशा अफसुरता है। यकीनन होंगे, हमारे बगैर नहीं रह सकते। हमें यकीन है कि उनसे कुछ खाया पिया नहीं जा रहा होगा। वाह वाह, कैसी आजादी है पाशा, कैसी आजादी है।
यानी ना कोई मुझसे सवाल करने वाला है और ना ही कोई रोक टोक करने वाला है। ओह शुक्र है, यानी जो मुझे चाहिए था मुझे मिल गया। जितना चाहूँ खा सकता हूँ, मेरी बीवी यहाँ नहीं जो ये सब मुझसे छीन ले, मैं जितना चाहूँ खाऊंगा। ध्यान से महमूद पाशा, आप अपना पेट खराब कर लेंगे, थोड़ा आराम से खाइए। कसम से सही कह रहे हैं पाशा, मेरे लिए खाने में वक्फा लेना बेहतर है वरना मैं फट जाऊंगा। माजरत चाहता हूँ, मैं गलती से इस कमरे में आ गया। तहसीन पाशा, आप ठीक तो हैं? रद हो रहे हैं, बीमार हैं क्या? सुल्तान मौसम चाहते हैं कि मैं अहमद जलालुद्दीन पाशा को बुलाऊं। अहमद जलालुद्दीन पाशा को? सही सुना पाशा। क्यों? मैं नहीं पूछ सकता क्योंकि यह उनका हुक्म है। मैं हुक्म की तकमील करने जा रहा हूं, इजाजत चाहता हूं पाशा सरत। पाशा, तहसीन पाशा जी। कहिए शहजादे। क्या हुआ तहसीन पाशा, आप इतनी उजलत में क्यों हैं? सुल्तान मौसम ने अहमद जलालुद्दीन पाशा को बुलाया है, इजाजत चाहता हूं। कौन है ये अहमद पाशा? हमने पहले भी इनके मुतालिक सुना है लेकिन देखा नहीं कभी। आप देख भी नहीं सकते थे, जब आप कम सिन थे तभी अहमद जलालुद्दीन पाशा मंजरेआम से गायब हो गए थे। वो रोशनी में नहीं आते, बाबा के पास खुफिया मालूमात उन्हीं की तरफ से आती हैं। वो अहम खबर तहसीन पाशा को भेजते हैं और यूं खबर सुल्तान मौजम तक पहुंचती है। वो बहुत पुरेसरार हैं, इस कदर पुरेसरार हैं कि सुल्तान मौजम के अलावा कोई भी उन्हें समझने से कासिर है। यानी सुल्तान मौसम के पास जो भी मालूमात आती हैं वो उन्हीं की तरफ से आती हैं। जी, अहमद पाशा खुफिया मालूमात का मुशाहिदा करते हैं, देखते हैं कौन सी मालूमात अहम है, फिर वो सुल्तान मौसम को भेजते हैं। यानी वो उनमें से है जिन पर सुल्तान मौसम भरोसा करते हैं, लेकिन पहले क्यों नहीं आए थे वो? अहमद पाशा के उसूल बहुत सख्त हैं अब्दुल कादिर। दर हकीकत उन्हें सुल्तान मौसम की सियासत ने पीछे कर दिया था, लेकिन अब आ रहे हैं। पाशा हजरात, अब हालात बदलेंगे, बैठिए। मैं आपको अहमद जलालुद्दीन पाशा के बारे में बताता हूं। वो सुल्तान मौसम के बचपन के दोस्त हैं, लेकिन कुछ अरसा पहले की बात है, मंजरे आम से गायब हो गए थे। वो दुनिया के वाहिद इंसान हैं जिन पर सुल्तान मौसम को मुकम्मल भरोसा है। इसलिए पाशा हजरात जान लीजिए, अगर अहमद जलालुद्दीन पाशा महल में आ रहे हैं तो फिर अब शायद हम में से कोई भी सुल्तान मौसम से नहीं मिल सकेगा। यानी पाशा हजरात, अगर अहमद जलालुद्दीन पाशा आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि बहुत तेज हवाएं चलने वाली हैं, होशियार रहिएगा। हमारे साथ रहने के बजाय क्या आपने अपने बेटे के साथ रहने का इंतखाब नहीं किया था? फिर आप गई क्यों नहीं? अपने बेटे को देखना और उनके साथ रहना हर चीज से अहम है, लेकिन अब जब हम अपने मुल्क में हैं और आपके साथ हैं तो हमारे एहसासात आपके लिए भी वैसे ही हैं। हमारी वैसी गलती करने का कोई इरादा नहीं था जैसी सबाहतीन ने की। हम आपके खिलाफ नहीं हैं, हमने बस एक माँ होने का फर्ज अदा किया, हमने अपने दिल की सुनी सुल्तान मौसम। तो आप ये कबूल करती हैं कि सबाहतीन ने गलती की है? हमने कभी उन्हें आपकी मुखालिफत नहीं करने दी। जो उनके लिए ठीक है वो हमारे लिए नहीं, लेकिन इसका ये नतीजा निकलेगा ये हमें मालूम नहीं था। ताहम एक बात जो हम जानते हैं, हमें नहीं मालूम कि ये सही है या गलत, लेकिन हमने हमेशा आपका साथ दिया। आप ही बताइए, क्या यह असल वफादारी नहीं है? अल्लाह हमें गलत फैसले करने से और गलत तरीके से मुल्क पर हुक्मरानी करने से महफूज रखे।
महमूद पाशा अपने कमरे में है? जी कमरे में ही है। वो हमें देखेंगे तो क्या करेंगे? हमें यकीन है कि वो बहुत खुश होंगे। जब मैंने आपको देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ पाशा, बेचैन हो गया था मैं, इसलिए आपसे बात करने के लिए आ गया। देखिए हमारी गैर मौजूदगी ने उनकी क्या हालत कर दी है। मुझे क्या हुआ है हा? मैं समझ नहीं पाया मेरे लिए क्यों परेशान है। मुझे लगा कि आपको कोई परेशानी है, लेकिन जब से मैं आया हूँ आप बगैर रुके खाए जा रहे हैं। अगर आप मुझे बताएं कि मसला क्या है तो शायद मैं कुछ कर सकूं। सिर्फ हम ही कुछ कर सकते हैं, सिर्फ हम। पुरसुकून हूँ तौफीक पाशा, बहुत पुरसुकून हूँ। यानी मैं पहले कभी इतना पुरसुकून नहीं था। ना बीवी है जो हर वक्त बातें करती रहती थी, ना ही बेटा है जो हर वक्त रोता ही रहता था। बस ओह खुश हूँ, बहुत पुरसुकून हूँ तौफीक पाशा। मैं सफर करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं बिल्कुल आजाद हूँ। कसम से दुनिया की हर खुशी मिल गई है मुझे। यानी दुनिया की खुशी है, स्नेहा नहीं है। स्नेहा नहीं है और मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा ऐसा है महमूद पाशा? पाशा बोलो। तहसीन, सुल्तान मौसम ने बुलाया है। सुल्तान मौसम का हुक्म सर आंखों पर तहसीन। तहसीन कहिए पाशा। पर्दों को गिरा दीजिए। पर्दे गिरा दो। तब खड़े हो, याद रखो तुर्क सुल्तान के दरवाजे के बाहर खड़े हो तुम। एक पांव भी आगे मत रखो,
पीछे रहो। तहसीन चलो आप। दरवाजा खोलो। रुक जाओ। तहसीन पाशा, 10 साल से बाहर नहीं आया हूं मैं, लेकिन ना तो मैं बदला हूं ना मेरा अंदाज। मैं सुल्तान मौसम से तन्हाई में बात करता हूं, शायद आप भूल गए हैं। सिपाहियों, जासूसों के सरबरा अहमद जलालुद्दीन पाशा, क्या सूरज की रोशनी आपको अब भी परेशान करती है? इजाजत हो तो कुछ अर्ज कर सकता हूं मैं। सवाल किया है हमने पाशा। सूरज की रोशनी से तकलीफ है मुझे, लेकिन अगर कुछ और अरसा आपको ना देखता तो शायद अपनी आंखों से ही महरूम हो जाता। आप कह तो रहे हैं लेकिन हमारे चेहरे की तरफ नहीं देख रहे। ये अदब है सुल्तान मौसम, अगर हम आपकी रजामंदी के बगैर सर उठा लें और अपने खलीफा के चेहरे को देखें तो ये अदब के खिलाफ है सुल्तान मौसम। मैं आपके चेहरे की तरफ नहीं देख सकता, अपनी हद जानता हूं मैं। हमें याद है जब हम नौजवान थे और आप बच्चे थे, तब हम शिकार पर अकेले गए थे और खो गए थे, और आपने उस वक्त अदब के बारे में नहीं सोचा था। आपने हमें रास्ता नहीं दिखाया था। अपनी गुस्ताखी पर पशेमान हूं सुल्तान मौसम, लेकिन मैं ये कैसे जान सकता था कि आप सुल्तान अब्दुल मजीद खान के शहजादे हैं? आप एक हाकिम हैं और मेरा फर्ज है कि मैं आपकी गैर मशरूत तौर पर वफादारी और खिदमत करूं। हम आपको इजाजत देते हैं पाशा, अपना सर उठाकर बात कीजिए। आप हैरान होंगे कि हमने आपको इतने अरसे के बाद आखिर क्यों बुलाया है। हमारे पाशा हजरात में से कोई है जो नौजवान तुर्कों से रابطے में है। हम चाहते हैं कि आप उसे तलाश करें। सुल्तान मौसम, आप जानते हैं कि मेरे उसूल बहुत ही सख्त हैं। हम जानते हैं पाशा, और इसीलिए हमने आपको ये काम दिया है। हमें बहुत सी परेशानियों का सामना रहा है, लेकिन हमने आपको नहीं बुलाया। मगर ये बहुत अहम है पाशा, आज तक दुश्मन ने हम पर बाहर से हमला किया है, लेकिन अब उनका मंसूबा है कि हमारे ही किसी फर्द के जरिए हमें कमजोर कर दें। हमारे पाशा हजरात को खरीद कर मिल्लत को धोखा दे रहे हैं, इसीलिए हमने आपको बुलाया है। सुल्तान मौसम, आपका हुक्म सराखों पर, हुक्म दीजिए कि कहां से आगाज करना है। जो पाशा नौजवान तुर्कों से रابطے में है वो टेलीग्राम के जरिए पैगाम रसानी करता है। क्या हम नहीं जानते कि वो कौन है? हम नहीं जानते कि वो कौन सा टेलीग्राफ तार इस्तेमाल करता है। तो इस सूरत में हम टेलीग्राफ तारों का जायजा लेंगे जिनके जरिए पाशा हसरात पैगाम भेजते हैं। अगर हमें कोई साबिका टेलीग्राम मिल जाता है तो हम आपके मतलूब उस पाशा तक भी पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें हर पाशा की तहरीर चाहिए होगी। अगर वो शख्स हमारे मंसूबे को समझ जाता है तो वो अपनी तहरीर बदल लेगा। दुरुस्त फरमाया। क्या आपके पास कोई और मंसूबा मौजूद है? हम तमाम पाशा हजरात के बारे में फैसला करेंगे, सबसे इस्तीफा पेश करने के लिए कहेंगे,
इस तरह उनकी तहरीर उनके इस्तीफों के जरिए हासिल कर लेंगे और सब पर वाज़े कर देंगे कि हम जब भी चाहें उन लोगों को बरतरफ कर सकते हैं जो इस ओहदे के लायक नहीं है। सुल्तान मौसम, इस फैसले पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद होना जरूरी है। बिल्कुल अमल दरामद होगा पाशा। अहमद जलालुद्दीन पाशा, हम जानते हैं कि सूरज की रोशनी आपकी आंखों को तकलीफ देती है, इसीलिए आप रोशनी को देख नहीं सकते। हमने आपके लिए एक मखसूस महलूल तैयार किया है। ये नीला महलूल अल्लाह की रजा से आपकी आंखों को शिफा देगा। बहुत रहम दिल हैं आप। आपकी मुलाकात हुई सुल्ताने मौसम से? जी हो गई, अल्लाह का शुक्र है। उन्हें हमारी अच्छी नीयत पर यकीन आ गया और हमें उनकी रहमदिली पर यकीन है। बिल्कुल सनेहा सुल्तान, खानदान लाजिम व मलजूम होता है और ये तो आप ही का घर है। पायतख्त और महमूद पाशा भी, उनसे मिली आपको देखकर तो बहुत खुश हो गए होंगे। उन्हें अभी ये मालूम नहीं है कि हम वापस आ गए, हमने उन्हें नहीं बताया। बराहे करम उन्हें मत बताइएगा, हम उनका हैरत भरा चेहरा देखना चाहते हैं। जी जरूर। मैं जुआ खाना बंद करवा रहा हूं। हाँ, मैं जानता हूं कि तुम इसे बंद करना चाहते थे, लेकिन जुआ खाना जाती मिल्कियत हुआ करता है और यह गैर मुल्कियों को दी जाने वाली कारोबारी मराद में शामिल है। ना मैं ना ही तुम इसे रोक सकते हो। तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि मैंने मालिक को बता दिया है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात तुम्हें समझ आ गई होगी। मैंने उस जगह के मालिक को यहाँ बुलाया है, वो यहाँ आकर जुआ खाना बंद करवाने की दरख्वास्त देगा। आ जाए, ये लीजिए, जुए खाने का मालिक आ गया। क्या ये मालिक है? ये शख्स तो सिर्फ लोगों की अमानतें संभालता है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, शिकायत क्या है? शिकायत नहीं है बल्कि मेरा हुक्म है, जुआ खाना बंद कर दो। अजीब है सफीर साहब, हमारे दस्तावेजात मुकम्मल हैं, ये देख लें। अगर इनमें कोई कमी है तो जो जरूरी हुआ वो हम करेंगे, लेकिन हम किसी के हुक्म पर कुछ नहीं करेंगे। जब उस जगह का मालिक जुए खाने को बंद करने की दरख्वास्त देगा तो ये जुआ खाना बंद हो जाएगा। अगर किसी के पास इतनी ताकत है तो बंद करके दिखाए। अपनी जिंदगी के साथ जुआ मत खेलो, बंद करो उसे। ये शहर अपनी अहमियत इसीलिए खो रहा है कि यहाँ इन जैसे गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं। काश हमारी आंखें इन्हें ना देखें, काश हमारे कान इन जैसे लोगों की बातें ना सुने और इन्हें जवाब देने में हमारा कीमती वक्त जाया ना किया जाए। मैं देखने के लिए आंखें, न सुनने के लिए कान और न ही बोलने के लिए कोई जबान छोड़ूंगा। तुम्हारी हड्डियों का पासा बनाऊंगा और लोग खेलेंगे उससे। आपने इनके अल्फाज तो सुन लिए। तुम्हारे लफ्जों के मुताबिक तुम्हें भी जुआ खेलना पसंद है, लेकिन तुम इसे जाहिर नहीं करना चाहते। अगर तुम्हें इतना पसंद है तो तुम बड़े खेल का हिस्सा बन सकते हो। मैं तुम्हारा खेल तबाह कर दूंगा, चाहे तुम कितनी ही तशहीर कर लो इसकी। इस जुए खाने को हर कीमत पर बंद करना होगा तुम्हें। हम ये मामला कानून के मुताबिक ही हल करेंगे। मालिक के आने का इंतजार करते हैं, बराए करम सबर और बर्दाश्त का मुजाहरा करें। मजर साहब, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों के जुए की आदत की वजह से परेशान हैं। मैं जानता हूं तातार, जानता हूं। आप हमारे बेटे से बात करें, वो हिमायत नहीं करता। हम उससे क्या बात करें, मालिक आप हैं, फैसला करेंगे तो मसला हल हो जाएगा। देखें, हमें हमारे बेटे का दुश्मन मत बनाएं। बाप अपने बच्चों और बच्चे अपने वालिद को खो रहे हैं और इस काम से तुम्हारा बेटा अच्छी खासी रकम कमा रहा है। मुख्तसरन ये जनाब कि ये मसला ताकत या प्यार से आपको हल करना है। चाचा उस जुए के अड्डे को कभी नहीं खुलने देंगे। ठीक है, चलते हैं फिर। ये जगह तुम्हारी है और तुम्हारे बाबा इसे बंद करना चाहते हैं। दरअसल वो इससे खुश थे,
लेकिन जब खलील खालिद ने उन्हें बंद करने का कहा तो वो पीछे हट गए। मैंने उन्हें कहा कि मैं बंद करना नहीं चाहता, लेकिन ये उनकी मिल्कियत है। वो खलील खालिद से खौफजदा है। वो गलत आदमी से खौफजदा है। खलील खालिद कुछ भी नहीं कर सकता तुम्हारा। लेकिन अगर हम बेसुकून हुए तो तुम्हें भी बेसुकून कर देंगे। देखो, तुम्हारे बाबा एक बूढ़े आदमी हैं, वो फिसल कर गिर सकते हैं। ये शर्मिंदगी की बात होगी। इस जगह की वजह से किसी की जान जाए, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहोगे। नहीं, जो आप मुझे रकम दे रहे हैं मैं उससे मुतमईन हूँ जनाब। तो फिर इस पर अपने दस्तखत करो। अगर तुम इस जगह को जुए के अड्डे के तौर पर चलाने पर रजामंद हो तो। मैं दस्तखत कर सकता हूँ, लेकिन मेरे वालिद के भी दस्तखत जरूरी हैं। तब जाकर ये मंजूर शुदा होगा। तुम अपने हिस्से का काम पूरा करो। सिर्फ हम तुम्हारे बाबा के साथ भी मुआहदा कर लेंगे। हम तुम्हें और तुम्हारे बाबा को तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खुश कर देंगे। फिक्र मत करो तुम। आ जाए। आइए मामू। शेवनाज, आपने अपनी तैयारी कर ली? जी कर ली है। खत का क्या होगा? तुम हर चीज का एतराफ करोगी एक खत में, और फिर हम चले जाएंगे। हमारे चले जाने के बाद वो खत बेदार सुल्तान को मिलेगा, फिर आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकेगा। क्या आपने बेदार सुल्तान के लिए एतराफी खत लिख दिया? मामू, दरख्वास्त करती हूं मैं आपसे, मुझे ये करने के लिए ना कहें। देखिए, मैं आपके साथ चल रही हूं, लेकिन मुझे मेरे वालिद और फौत के साथ धोखा करने का मत कहें। मुझसे इस बात की तवक्को मत रखें कि मैं ऐसा कर सकती हूं उनके साथ। आप इसी वक्त वो खत लिखेंगी ताकि सुल्तान को उस शैतान को ढूंढने में आसानी हो। या तो आप लिखेंगी या फिर मैं। मामू, मेहरबानी करें। मैं कह चुका हूं। पाशा हजरत, हमें मुश्किल हालात का सामना है। जोतू पाशा के पेरिस फरार होने की वजह से हम सब अफसरदा हैं। शायद उनकी किसी ने हौसला अफजाई की हो, लेकिन इंशाल्लाह उनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जोतू पाशा की जगह वजारत तालीम को अब नाइब की हैसियत से इस्माइल हक्की साहब संभाल रहे हैं। इस्माइल हक्की साहब तदरीसी पेशे के एक माहिर शख्स हैं। इंशाल्लाह मैं अपने फराइज को पूरी तरह से निभाऊंगा। परेशान मत हो इस्माइल हक्की साहब, अब सब आपकी तरह नाइब ही होंगे। सुल्तान मोहसिन, क्या आप नई तकरूरियां कर रहे हैं? नहीं पाशा, हम सबको उनके ओहदों से बरतरफ कर देंगे। रियासत के पास 6,000 पाशा हैं, इनमें से 1,000 अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। तहसीन पाशा, हमारा हुक्म है कि तमाम पाशा हजरात तहरीरी तौर पर अपना इस्तीफा पेश करेंगे। हर कोई बतौर नायब अपने फराइज को जारी रखेगा। तामील की जाए। क्या आपको यह फैसला पसंद नहीं आया पाशा हजरात? अस्तग़फिरुल्लाह सुल्तान मौज़म, अस्तग़फिरुल्लाह। हम आपका फैसला तमाम रियासती साथियों तक पहुंचाएंगे सुल्तान मौज़म। सबसे पहले आप अपना इस्तीफा पेश करेंगे तहसीन पाशा, फिर दूसरे पाशा हजरात को हमारे फैसले से आगाह कीजिएगा। जैसा आप चाहें सुल्तान मौज़म। Look at that.
पाशा हजरात को फराइज मिलेंगे, वो फराइज की अदायगी में कोताही नहीं करेंगे। यानी तहसीन पाशा की वफादारी अहमद पाशा की वफादारी के सामने गद्दारी के मुतरादिफ है। वो एक जाल बन रहा है, उसको किसी पर शक भी है जो पेरिस जाना चाहता है। यानी जो लोग इस वजीफे के तालिब होंगे वो मुश्तबा हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं सुल्तान मौज़म को बताने जा रहा था कि मैं पेरिस में सफीर बनना चाहता हूँ। अब आप खुद उन्हें बता दीजिएगा।